नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपके डीएम को दे देंगे हम ये कॉपी। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे संडे के दिन? पहले आप तो क्या कर रहे हो? हमें दूंगा ही, आपके कहने से भी मैं कुछ नहीं करूंगा, आपके कहने से भी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दूंगा ही। जरूरत पड़ेगी तो सीएम को भी दूंगा, सबको दूंगा। मुरादाबाद DPRO राजेश कुमार सिंह की पत्नी मनीषा सिंह हमारे साथ हैं, ये बात करते हैं। मैम, लगातार आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा प्रकरण है थोड़ा बताएं? मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, पहली बात तो आंखों देखा है और जो भुगता है उस चीज़ को बोल रही हूँ, इसलिए ये लैंग्वेज में गवर्नमेंट की या IPC की एलिगेशन हो सकता है, मेरी ये लाइफ की आप बीती है तो मैं उसी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि राजेश कुमार सिंह का आचरण और बिहेवियर शुरुआती दिनों से ही खराब था। अय्याशी, दारू पीना, सिगरेट से जलाना, अनैतिक रूप से हमारे साथ में सेक्सुअल टॉर्चर करना, हर चीज़ करना, पर हम बर्दाश्त करते रहते थे। पर अब मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद से अब ये बात खुलेआम हो गई, क्योंकि जो मेरा मैट्रिमोनियल हाउस था वो जो भी लेडी है उसको पापा मम्मी की सेवा करने वाली लड़की कहने के बावजूद उसको उस घर में ला के मेज से रखा गया और मुझे बताया नहीं गया। मेरी नंदोई और नंद, उनका इसमें हाथ है, उन्हीं की सलाह के हिसाब से और उन्हीं के साथ में मिलके ये सब कुछ किया गया है, तो वो उसके एडवाइज़र समझ लीजिए या फिर कॉन्स्पिरेसी के को एप्लीकेंट समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ही ये सब कुछ मिलके किया है तीनों जनों ने। क्यों किया है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं या ज़िंदा रहूं, क्योंकि वो भगवान जाने उनकी क्या इंटेंशन है। सीधा बोलते हैं बीच में से चिरवा देंगे, मतलब वो खुलेआम मारने की धमकी भी दे चुका है हमें जब घर में रहता था। लास्ट ईयर भी जब जुलाई में वो मम्मी की डेथ से पहले गया है, मेरी मदर इन लॉ की डेथ से पहले, बहुत गलत तरीके से सेक्सुअल संबंध करना चाह रहा था जो कहना भी सही नहीं है। जब बहुत आवाज़ें लगाई तो हमारे बेटे ने दरवाज़ा खुलवाया तो पता चला कि वो जेन्युइनली हम पर चढ़कर बैठा हुआ था। मेरे बेटे ने चाबी से दरवाज़ा खोला था, ही वॉज ट्राइंग टू गैग माई फेस विद द पिलो, कि क्योंकि उसे पता है कि मैं ब्लड थिनर्स पर हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं ब्लड थिनर्स के ऊपर हूँ और मुझे मेरे लंग्स 200% रिएक्टिव हो चुके हैं क्लॉट की वजह से। तो जिसको हस्बैंड को ये सब बातें पता होती हैं, ही नोज़ कि कहाँ से मुझे नुकसान पहुँच सकता है। अब जब से ये लड़की वाला प्रकरण आया है, ये सीधा मेरे मैट्रिमोनियल घर की बात है, उसे वहाँ रखा गया था। 1.5 साल से जब से ये दादी वाला हादसा हुआ है, 1.25 साल से राजेश सिंह हमारे पास में जुलाई से नहीं आया है, लास्ट जुलाई से, और वो उस घर में लगातार मेज से कोरोना के टाइम पे भी सैटरडे संडेज़ को जाके रुक रहा है और रात के 10 बजे जाता है, सुबह 6 बजे वहाँ से निकलता है। तो ये आम वाइफ के लिए ये कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि जब मेरे पास नहीं आ रहा है और एक लड़की के पास में तू रुक रहा है, बीवी बच्चे कह रहे हैं कि हटा दीजिए तो कहता नहीं यहीं रहेगी, मेरी तो बीवी है और तू कौन है, तुझे तो मैंने छोड़ दिया है, परित्यागा है। अब एक औरत ये सब कुछ सुन के मैं ये कैसे ना कहूँ कि उसकी सेकेंड वाइफ है, जब मैं परित्यागा हूँ तो फिर वो तो बीवी हुई ना, तो अंडरस्टूड है। एक के बाद एक कई प्रकरण सामने आए, वायरल वीडियो भी, अभी आपने एक वीडियो वायरल किया जिसमें मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई है आपने, आनंदीबेन पटेल जो हैं उनसे भी गुहार लगाई, तो क्या क्या आपने कहा उसमें? मैंने उनसे यही कहा है कि मेरी जान को खतरा है, कि मैं बेसिकली गुजरात की लड़की हूँ, गुजरात की बेटी हूँ, वहीं बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ, मेरे फादर वहीं पर IAS ऑफिसर थे और ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ब्यूरोक्रेसी के सारे नियम कायदे मैं भी जानती हूँ और किस हद तक कोई ब्यूरोक्रेट जा सकता है ये मुझे भी पता है। पर राजेश सिंह ये सारी चीज़ें पार कर चुका है, क्योंकि वो खुलेआम कहता है DM CM को जाके कह दे जो करना है कर ले, वो मेरा कुछ नहीं करेंगे। मतलब खुलेआम उसने मुझे ये धमकी दे दी है कि मैं कोई भी प्रशासन में चली जाऊँ मेरी सुनवाई नहीं होगी। अब ये क्या है वो तो आप सबके लिए है ढूंढने का, या मीडिया या प्रशासन बताएगा। जिस तरह से अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या राजनीतिक संबंध आप मानते हैं कि उनके उच्च स्तर तक हैं? मेरे हिसाब से तो होने ही चाहिए, प्रशासन के भी होने चाहिए। भाई जो आदमी खुलेआम ये कह रहा है कि DM के पास चली जाओ, CM के पास चली जाओ, अब है कि नहीं है वो तो वन साइडेड भी हो सकता है, टू साइडेड भी। दिस इज़ फॉर द पीपल टू इन्वेस्टिगेट और प्रशासन अप्रूव करे इस बात को, क्योंकि ये एक तरह से जो एलिज्ड पर्सन है वो धमकी दे रहा है हमको। द अक्यूज्ड इज गिविंग मी केयर एंड एवरीथिंग, कि भाई मैं तुझे मरवा दूंगा, मतलब ये खुलेआम एक धमकी है। तो मतलब उस धमकी को मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ 28 साल रही हूँ, मैंने उसका टॉर्चर देखा हुआ है, सहा हुआ है, उसका इतना कहना मैं समझ पा रही हूँ कि मेरी लाइफ कहाँ पर स्टैंड करती है, ये मैं जानती हूँ। अभी आप मुरादाबाद आए हैं, किन अधिकारी से मिले और क्या आश्वासन दिया, क्या आपकी शिकायत थी उनसे? मैं आई तो DM साहब से मिलने थी पर वो नहीं मिल पाए हैं मुझे, क्या कारणवश मुझे नहीं पता, कहा गया है कि मीटिंग में बिजी हैं। ADM साहब को मैं पेपर दे के आई हूँ और ADMP शायद उनसे मैं अभी मिल के आई हूँ और उनको भी लेटर दे के आई हूँ अपना, और मैं कह के आई हूँ कि कार्यवाही हो इसके ऊपर, प्रशासन तक आवाज़ जाए
और जो उनके लेवल पे स्तरीय है, क्योंकि गाड़ी का, ड्राइवर का, अदरली का, सबका मिसयूज है। आई हैव गॉट वीडियोज ऑफ एवरीवन। और उन्होंने साफ कहा था, डर के, तीरथ नाम का आदमी है वो, डर के उनका अदरली कहता है, हम सर के कहने से करते हैं जो करते हैं। संजीव ड्राइवर है, मैं तो मुंह पे कह रही हूँ, वो खुद कहता है कि सर के कहने से करते हैं जो करते हैं। तो इसका मतलब तो सर ही माए बाप है, तो फिर सरकार क्या है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट? तो ये तो फिर प्रशासन बताएगा कि गवर्नमेंट क्या चीज़ है। कि आप लंबे समय तक उनके साथ रहे, किस तरह का स्वभाव रहा आपको, किस तरह का खतरा है? अब मुझे हर तरह से खतरा है, क्योंकि इस वक्त तो मुझे अपनी जान का भी खतरा है। मुझे ये भी खतरा है कि हो सकता है आई माइट बी गिवन एन एसिड अटैक, क्योंकि अकेले रहना होता है, मेरे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना मैं कोई अधिकारी हूँ खुद अपने आप में, मैं और मेरा बेटा रहते हैं। ये बात मैं ज़्यादा प्रसारित भी नहीं करना चाहती, बिकॉज हो सकता है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है और क्या हो जाए मेरे साथ में, आई डू नॉट नो। पर मेरा सीधा कहना है, मुझे अपनी नंद नंदोई और अपने हस्बैंड से पूरी तरह से खतरा है। क्योंकि आपने वायरल वीडियो कर मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाई है और जो राज्यपाल है उनसे भी गुहार लगाई है, तो क्या लगता है अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है आपका? नेक्स्ट स्टेप बस यही है, अभी तो फिलहाल प्रशासन की राह देख रहे हैं, जो फिर और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंसाफ तो चाहिए। अब जब घर छोड़ के बाहर निकल आए हैं, 28 साल से जो औरत चुप थी, आप सोचिए कि ना मैं पैसा मांग रही हूँ, मुझे आज तक एक पैसा नहीं मिला उस आदमी से, ना मेरे बच्चों को पढ़ा रहा है वो आदमी, ना कोई सैलरी दे रहा है। पर मेरा सिर्फ एम ये है कि भाई जब 28 साल बाद एक घर की औरत घर के बाहर आई है, तो अब मैं न्याय लिए बिना घर के अंदर नहीं जाऊँगी। क्या कहना है आपने पिताजी के लिए? कुछ कहना? पिताजी के लिए यही कहना है कि वो एक नंबर के दोगले इंसान। मैंने देखा इन्हें कि भाई मतलब पूरी रात दारू पीता था और इन्हें मारता था। हमें तो चलो मारे, बच्चे तो पिटने के लिए होते हैं, कोई बात नहीं, मारे, इन्हें क्यों मारता था भाई? दारू पी के, सिगरेट पी के, और यदि ये रोक देती थी तो मारता था। चलो दूसरी बात छोड़ो भाई, एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा बेटा है, तो उनसे फ़ोन क्यों नहीं करते भाई, बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? जब उनसे पूछा गया तो बोले तुमने मुझे इस लायक छोड़ा नहीं। अब भाई मैं 20 साल की उम्र है मेरी, मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम क्या करोगे? एक बात बताओ, कोई अपनी माता को पिटते देख रहा है तो वो फिर उसको, उस आदमी से बात करेगा? आप खुद किसी को पूछो कि भैया कोई आदमी तुम्हारी माँ को मारे, जान से मारे, मतलब गमला मारे सर पे, लाते मारे, घूसे मारे, पेटों में, हाथों में, जगह जगह मारे, जला रखा है सारा हाथ सिगरेट से, और फिर वो आदमी चाह रहा है कि मैं उससे बातें करूँ प्यार से? कौन बात करेगा भाई, क्यों बात करूं मैं? मतलब मेरा कुछ है ही नहीं वो, उस आदमी ने मुझे 1 रुपए की चॉकलेट आज तक लाके नहीं दी, छोटा सा लड़का हूं मैं, जब से नहीं लाके दिया तो मैं क्यों बात करूं उससे भाई, है ही नहीं वो कुछ मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। ये थे मुरादाबाद DPRO राजेश कुमार सिंह के पत्नी और बेटे और कई तरह के संगीन आरोप उन्होंने लगाए, और मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह से वो मिलने आए थे, लेकिन किसी वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और आनंदीबेन पटेल से एक वीडियो जारी कर उन्होंने ज़रूर गुहार लगाई थी। फिलहाल आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरह से मुरादाबाद प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करता है।